हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद लॉ एकेडमी पर। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सिविल जज के पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्या ये? इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। देखिए, जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी प्रियर स्टेज क्या होती है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में दो पार्टियां होती हैं। अगर जनरल रूल ये है कि पर्सन नॉट अ पार्टी, दो पार्टियां होती हैं, अगर कोई भी पर्सन उनमें से या तो पार्टी वन या पार्टी टू नहीं है तो वो केस फाइल नहीं कर सकता है, भले ही वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है उसके बेनिफिट के लिए ही क्यों ना बना हो। ही इज अ स्ट्रेंजर सो ही कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हम और आप किसी थर्ड पर्सन के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके बेनिफिट के लिए, तो अगर मैं ब्रीच करता हूं या आप ब्रीच करते हैं तो इसमें केस फाइल कौन करेगा? या तो अगर आपने ब्रीच किया है तो हम, और हमने ब्रीच किया है तो आप। वो थर्ड पर्सन भी आकर के केस में इंटरप्शन नहीं कर सकता, एक केस फाइल नहीं कर सकता, या कोई एक्स वाई जेड पर्सन ऐसा केस फाइल नहीं कर सकता कि सर आनंद सर के और जो आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्स नहीं हो रहा है। देखिए, इस पर इंग्लिश लॉ के दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। डायरेक्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, यूजीसी जेआरएफ में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ट्विडल वर्सेस एटकिंसन, ये केस नाम ध्यान रखिएगा। डनलॉप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड, ये दो इंपॉर्टेंट केस लॉ किससे रिलेटेड है? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, आर कंट्री के बारे में। तो आपने आईसीए पढ़ा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें एज सच कहीं भी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी को लेकर के कुछ भी मेंशन नहीं है। क्यों नहीं मेंशन किया गया है? नो एज सच स्पेसिफिक प्रोविजंस, इसको लेकर के कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं था, बट इट इज एप्लीकेबल इन इंडिया। कैसे है? जुडिशियल डिसीजंस के द्वारा ये एस्टेब्लिश हुआ है। मतलब प्रोविजन नहीं है तो जुडिशियल डिसीजंस जो कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट ने निर्णय दिए, उनके द्वारा ये डॉक्ट्राइन हिंदुस्तान में निकल करके आती है। दो इंपॉर्टेंट केस हैं, जमनो दास वर्सेस राम अवतार, एमसी चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर, ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और, ये तो हो गया आपका टॉपिक, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। इस प्रिविटी रूल, प्रिविटी रूल का मतलब क्या है? संबंध, ठीक है। इसका एक्सेप्शन है पांच, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्या है? अगर ट्रस्ट या चार्ज क्रिएट किया गया है तो वहां पर प्रिविटी लागू नहीं होगी, वहां पर थर्ड पर्सन आकर के जो कि पार्टी नहीं है एग्रीमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट का, ही कैन फाइल अ केस, ही कैन सू द पर्संस। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, क्रॉस वर्सेस द ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन इज, अगर कोई मैरिज सेटलमेंट है या पार्टीशन है या फैमिली सेटलमेंट है तो यहां पर भी ये प्रिविटी लागू नहीं होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी लागू नहीं होती। एक्नॉलेजमेंट या एस्टॉपल, कोविनेंट रनिंग विद द लैंड, आप लैंड खरीदते हैं अगर उसके साथ कोई कोविनेंट चल रहा है तो उस पर भी ये लागू नहीं होगा। फिफ्थ इज स्टेटरी एक्सेप्शंस, कोई विधिक एक्सेप्शंस अपवाद है तो उसके तहत भी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी लागू नहीं होगा। होप सो, छोटा सा टॉपिक है, सिविल जज के एग्जाम के लिए आपको कंटेंट मिल गया, प्रीलिम्स के लिए केस लॉज मिल गए, किससे रिलेटेड है ये आपको पता चल गया। यूजीसी नेट में केस लॉ डायरेक्ट पूछता है, एक्सेप्शंस पूछता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।